नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मैयप्पन और राजकुंद्रा आईपीएल सट्टेबाजी के दोषी, श्रीनिवासन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राजकुंद्रा और मैयप्पन आईपीएल सट्टेबाजी के दोषी हैं। राज का संबंध राजस्थान रॉयल्स से है, जबकि मैयप्पन का चेन्नई सुपर किंग्स से। अदालत ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन को मैच फिक्सिंग के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि 6 हफ्ते में बीसीसीआई के चुनाव कराए जाएं। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि बेटियां मां के गर्भ में ही मार दी जाती हैं, इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। हम सबका दायित्व है कि समाज को जगाएं। उन्होंने कहा कि हम बेटियों को पराया समझना कब बंद करेंगे। लोगों को गलतफहमी है कि बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं। बेटे बुढ़ापे में काम आते तो वृद्धाश्रम नहीं होते। मेरा यह संदेश हर जिले और हर गांव के लिए है। आतंकवादियों के निशाने पर सिद्धिविनायक मंदिर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के ठीक पहले आतंकवादी साजिशों का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस को आईबी ने अलर्ट भेजा है कि आतंकवादी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का संगठन जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले के लिए 4 आतंकियों के ग्रुप भारत भेजे हैं। खुफिया विभाग को मिली जानकारियों के मुताबिक ये 4 पाकिस्तानी ग्रुप भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। इन आतंकियों के निशाने पर मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर भी है। इसी के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। नक्सली मेरे भाई और बेटे जैसे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद में कहा कि नक्सली उनके भाई और बेटे जैसे हैं, न्याय नहीं मिला तो वे नक्सली बन गए। वहीं उन्होंने प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर कहा कि नीतीश कुमार के कुछ नज़दीकी लोग उनका विरोध करते हैं। मांझी ने नक्सलियों का बचाव करते हुए कहा कि ठेकेदारों से लेवी लेना रंगदारी नहीं है। जो काम 15,000 रुपये में हो सकता है उसके लिए 2 गुनी राशि सरकार से ली जाती है। अगर नक्सली ठेकेदारों से लेवी लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। जनार्दन द्विवेदी ने की मोदी की तारीफ, कांग्रेस नाराज। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने और उन्हें भारतीयता का प्रतीक बताए जाने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। बयान से नाराज पार्टी ने साफ किया है कि मोदी किसी भी तरह से भारतीयता के प्रतीक नहीं हो सकते। पार्टी ने कहा कि इस बारे में शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। उधर जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि उन्होंने मोदी की तारीफ नहीं की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।